तुम जा बैठे हुए थोड़ी सी तशरीफ लाए और आप लोगों को खुश खुश करें। सबसे पहले तो मेरी तरफ से यहाँ पर जितने भी भाई आए उन सबको अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया दुआ से। तो दोस्तों नाज़रीन, मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ स्टार अमिताभ बच्चन की आपको आवाज़। आप लोगों की तालियों की गूंज में इस शहर के सबसे बड़ी हस्ती और इस शहर का सबसे बड़ा नाम मिस्टर सिकंदर कर देंगे लग रहा है। क्या कहने इधर ब्लूटूथ लेडीज इधर ब्लूटूथ में जितना पैसे तेन उन्ना में देवांगा। सबसे पहले तो यहां पर जितने भी लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। भैया क्या क्या जब हम पैदा हुए तो ना माँ की कोख थी ना बाप का साया, तो मैं भी इनकी तरफ फुट पास में। और ये जो पैसे आपने देखे ये पैसे मैंने किसी और को नहीं बल्कि अपनी बिरादरी को दिए। देख भाई कल सो भैया क्या क्या हमारे बाबू को अपनी घोड़ी पसंद आ गई। मेरी मानो तो इन दोनों की शादी करवा दो वरना कैसे होगा ना हमारा बाबू आपकी घोड़ी को लेकर भागा। भैया आप तो लड़ते रहते चलते हजार में अजकल हर लड़के की फरमाइश है शाहरुख खान देवदास ओ ये तू क्या कह रहा है? हाँ मैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ। दरअसल क्या है ना कि जब है कि मैं एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा हाँ तो अब मैं ये जो मनोज कुमार जी हैं उनका काम मैं खरीद लूँगा। और पता क्या है कि जब है कि मैं बेस्ट अवार्ड के लिए आगे हाथ बढ़ाऊंगा तो मैं क्या कहूँगा लेडीज एंड जेंटलमैन कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की और यहाँ के हर सर रे तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की। मेरी माँ कहा करती है कि हमारी जिंदगी भी फिल्मों की तरह जिसके एंड में सब ठीक हो जाता है क्योंकि ये जिंदगी कोई एंड नहीं यारो नहीं ना ये कोई एंड नहीं यारो क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अक्षय कुमार नई फिल्म आई है उसकी एंटरटेनमेंट तो वो एक बहुत बड़े राजा का बेटा है और सारी जायदाद का मालिक एक कुत्ता है। हबीबुल्ला साहब जी आजकल कोई भी फ्रॉड कंप्यूटर की हेल्प से ये तस्वीरें ले सकता था इसलिए मेरा ओरिजिनल डीएनए और ये मेरे बाप की तस्वीर इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं पन्नालाल जौहरी का बेटा हूं। बताइए कब टेक ओवर करूं? अभी आप टेक ओवर नहीं कर सकते क्योंकि उसे और ने टेक ओवर कर लिया। कौन है वो? मिलना चाहता हूं उससे मैं। साला मेरी जायदाद पर हक मारेगा? कहां है वो? खुद ही जाकर मिल लो। अभी तक पन्नालाल जौहरी की चिता क्या ठंडी नहीं हुई और तो उसकी कुर्सी पर बैठकर उसकी कुर्सी गर्म कर रहा। 3,000 करोड़ का मामला है बड़ो बड़ो की जबान पर और नौका बोल लग जाता है। ये दौलत मेरी है जो मेरे खून की कमाई है। कुर्सी बोल देख मेरी तरफ कुत्ता वो लड़ गया वो बाल हो गया मैं। सनी देओल साहब पाकिस्तान के हवाले नाल को गल कर रहे हैं तो उत्थे अपना सुल्तान राय पहुंच गए तो सनी देओल कह रहा है और हमारा पाकिस्तान का सुल्तान राय कौन थे बोलो जी
कितने लोग थे, हर जगह पर हमने बॉम्ब लगवाया है लेकिन हर बॉम्ब फ्लॉप हो जाता है, किसने किया ये सब कुछ? अपनी जबान लगाम दे वे। ए, तू एक भूल गए के पाकिस्तान के शेर जो अनाले भी जिंदा है, कमाल के बंदे यार, वो ऐसा बंदा है और कमाल होगी।